मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों को बताए थे कि मूल संख्या क्या है, ठीक है, मूल अंक क्या है और उससे बनने वाली संख्या का निर्माण कैसे होती है, ठीक है। आज भी हम लोग समझेंगे उसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसके आगे, ठीक है। तो हम बताए थे कि 0 से लेकर 9 तक के अंकों को ही मूल अंक कहा जाता है और इन्हीं अंकों के प्रयोग से ही कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, आज हम लोग समझेंगे, इससे कुछ आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा प्राकृत संख्या, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या। आज इसके वीडियो हम लोग, ठीक है, आज इस वीडियो हम लोग इन्हीं 3 बिंदु पर चर्चा करेंगे। पहला होगा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, दूसरा होगा सम संख्या और तीसरा होगा विषम संख्या, ठीक है। इसमें पहला लिखा गया है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, और समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे, प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए इसे हम लोग बोल सकते हैं एक शब्द में कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है, गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ लिखेंगे इसके डिफिनेशन में कि गिनती यानी काउंटिंग, ठीक है, गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को प्राकृत, ठीक है, प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन होगा कि गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम लिख लेंगे, जैसे मान लीजिए क्या भी 1 हो जाएगा, कमा 2, कमा 3, कमा 4, कमा 5, कमा डैश डैश, ठीक है, चल जाएगा अनंत, लिख देंगे इत्यादि। ये क्या है, ये हो गया प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में हम देंगे सम संख्या, ठीक है, सेकेंड में क्या जी क्या लेंगे सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। अब इन्हीं संख्याओं से, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से ही आगे बढ़ेंगे तो सम मिलेगा, विषम मिलेगा, पूर्ण मिलेगा, संपूर्ण मिलेगा, ठीक है, भाज्य अभाज्य, समरी संपूर्ण, सभी आपको इसके आगे मिलने वाला है। तो मूल अंक संख्या हो गया प्राकृतिक, ठीक है, इससे पहले मूल क्या था, तो 0 से लेकर 9 तक, इससे आगे बढ़ने मिल गया प्राकृतिक, और इससे आगे बढ़ेंगे मिलेगा सम संख्या, इसके आगे तो विषम संख्या, उसके आगे पूर्ण संख्या, उसके आगे संपूर्ण संख्या, उसके आगे बढ़ेंगे तो भाज्य अभाज्य समूह, ठीक है, इत्यादि। उन सबके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। चलिए आज जो फर्स्ट हो गया और देखेंगे सेकेंड हो गया है सम संख्या, इवन नंबर। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, उसको बताते हैं मौखिक हम कि वैसी संख्याएं, ठीक है, वैसी संख्याएं जिन्हें 2 से पूरा भाग लगे उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ध्यान देंगे पीछे रिपीट कर रहे हैं कि वैसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग लग जाए यानी कुछ भी शेष न बचे तो उसे हम सम संख्या कहेंगे, ठीक है। यानी कहिए इस बात को कि वैसी संख्याएं,
वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिनमें दो से पूरा पूरा, जिनमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, भाग लग जाए, दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा गया कि वैसी संख्या है जिनमें दो से पूरा पूरा भाग लगे, भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में लिखेंगे जैसे मान लीजिए दो है, कमा चार, कमा छः, कमा आठ, कमा दस, कमा बारह, ठीक है, कमा दस दस और भी आगे से आगे संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम जान चुके हैं सम संख्या के बारे में। अब यहाँ क्या कर दीजिए सर कि दो से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है, कुछ भी शेष नौ बचे, सर क्या करें सम संख्या, ठीक है, इवन नंबर। अब यहाँ भाग देंगे दो से दो में कटेगा पूरा पूरा, दो एकम दो, ठीक, दो एकम भाग चार कटेगा, दो दुगुनी चार, यानी कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। ठीक है, ये हो गया दूसरा, और देखेंगे तीसरा, यानी तीसरा कहा जाएगा विषम संख्या, ठीक है, ओड नंबर समझाएंगे। अब हम यहां लिखेंगे और नंबर, ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या पूरे नंबर। अब समझे इसका डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन बिल्कुल आसान है इसका भी, तो इसका हम लोग सही डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जिनमें दो से पूरा पूरा डिवाइड न हो, उसे हम कहेंगे विषम संख्या। ठीक है, ये सम संख्या का उल्टा इसमें क्रिया लागू होगा, तो लिखेंगे कि वैसी संख्या है, वैसी संख्या है जिनमें जिनमें दो से, जिनमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे, जिनमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे, न लगे तो उसे, तो उसे विषम संख्या कहते हैं, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा गया है कि वैसी संख्याएं जिनमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे उसे क्या कहेंगे, कि उसे कहेंगे विषम संख्या पूरे नंबर्स। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे क्या हो जाएगा कि मान लीजिए एक है, क्या क्या है, विषम हो जाएगा, तीन है, पांच है, सात है, नौ, ग्यारह, तेरह, ग्यारह, इसके आगे की संख्या और भी बढ़ सकती है। तो देखिए इस सभी क्या है, सभी का विषम संख्या है, इसे क्या रखना है, इसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए वो क्या होगा, वह हो जाएगा सम संख्या, और जिस संख्या में दो से पूरा पूरा विभाग भाग न लगे उसे कहेंगे विषम संख्या। ठीक है, तो आज हम पढ़े तीन कंसेप्ट, पहला प्राकृत, दूसरा सम और तीसरा विषम।
इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है और नोट करना है। अब बात रही अगले वीडियो की, तो अगले वीडियो में हम आप लोग बताएंगे पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है, तीन टॉपिक बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।